गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11 का केमिस्ट्री आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा था हार्मोनिक यौगिक के मूल सिद्धांत और तकनीक, तो उसमें ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया क्या था, हमने आपको बताया था IUPAC नामकरण। सेकेंड टॉपिक में मैंने आपको बताया था समावयवता। आज आपको हम बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन ये टर्म आज आपको बताया जाएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत केयरफुली ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे रासायनिक अभिक्रिया हम आपको पढ़ाएंगे, बंध विघलन बंध वियोजन आपको बताया जाएगा, तो वहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग केयरफुली इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम आज का टॉपिक आपका है सह संयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। हेडिंग बनाइएगा आप लोग, सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। ध्यान दीजिएगा, किसी भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में चार पांच तरीके का इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन है। इस बार नए संशोधित पाठ्यक्रम में आपको प्रेरणिक प्रभाव इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, अति संयुग्मन और अनुनाद, केवल इस बार चार ही आपके सिलेबस में पढ़ने को बाकी है। इसके अतिरिक्त मेसोमेरिक प्रभाव भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में चार दिया गया है। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट है रिजोनेंस। चार टॉपिक आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत बताए जाएंगे। नए संशोधित पाठ्यक्रम में आपके ये चार टॉपिक सम्मिलित किए गए हैं। तो हम शुरू करेंगे प्रेरणिक प्रभाव। तो आप लोग इन चारों में से पहली हेडिंग डालिएगा इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट है प्रेरणिक प्रभाव, इसको क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। प्रेरणिक प्रभाव। चलिए अब आप लोग इसमें पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जैसे सपोज दैट देखिए ये कोई कार्बन की चेन है और इस चेन में हाइड्रोकार्बन की चेन, इस चेन में कोई ग्रुप ए लगा है, कोई ग्रुप ए है, ये चेन को रोक दिया है, इसी लगने के बाद कार्बन की चेन आगे रुक गई है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये होता है पॉजिटिव निगेटिव करेक्टर। जैसे देखें
अगर यह ग्रुप लगने वाला जो ए नाम का ग्रुप है, ये दो नेचर का हो सकता है, या तो ए ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या फिर ए ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग। ध्यान दीजिएगा, या तो यह इलेक्ट्रॉन दाता की तरह कार्य करेगा, या फिर यह इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह कार्य करेगा। सेकंड पॉइंट देखें कि इंडक्टिव इफेक्ट में ध्यान ये रहना चाहिए कि जो कंपाउंड आप लिए हैं उसमें कार्बन की अगर ये चेन है तो लगने वाला ग्रुप जो होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता और कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या कहा, लगने वाला ग्रुप कार्बन से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के टर्म में डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता और इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होना मस्ट है। ठीक, अब इसकी डिफिनीशन देखो, इसमें ये कहा जाता है कि दो भिन्न परमाणुओं के मध्य, ध्यान दीजिए कार्बन है ये कोई ग्रुप है, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, अभी हम आपको एग्जाम्पल देंगे, दो भिन्न परमाणुओं के मध्य बने सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा दो भिन्न परमाणुओं के मध्य बने सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापित होते हैं, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो दो भिन्न परमाणुओं के मध्य बने सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं। अणुओं में इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन को इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। पुनः ध्यान दें, दो भिन्न परमाणुओं के मध्य बने सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं। अणुओं में इस प्रकार के विस्थापन को प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। ठीक, अब देखो हम यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये लिया एग्जांपल तौर पे। अब इसमें क्लोरीन लगा है, क्लोरीन का मतलब क्या होता है, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन, ये हैलोजन परिवार के तत्व हैं। तो हैलोजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी कि हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होती है। अब देखो इस बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन से क्लोरीन की ओर मूव करेंगे, ये देखो इधर गए, तो इस क्लोरीन पर क्या होगा, आंशिक नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, थोड़ा सा ऋण आवेश, हम ये सिंबल बनाए हुए हैं, ये इसको डेल्टा बोलते हैं, तो ये डेल्टा सिंबल है आंशिक के लिए, थोड़ी सी अमाउंट के लिए डेल्टा यूज करते हैं। तो देखो इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गया है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज ये बता रहा है कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो गया, तो बगल वाले कार्बन में इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया, ये देखो, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट गई। फिर क्या किया, ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया, तो इस कार्बन पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। ठीक, तो आप यहाँ ये देख रहे हैं कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण ये क्रमशः कार्बन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर
अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके फलस्वरूप इस पर निगेटिव चार्ज और इसके रिस्पेक्टिव कार्बन परमाणुओं पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन हो रहा है और यह विस्थापन कार्बन परमाणु से अंतिम सिरे तक हो रहा है और यह प्रभाव जो होता है एक अस्थायी प्रभाव है, अस्थायी प्रभाव है। इसमें कार्बन की श्रृंखला के अंतिम सिरे तक इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखो मैंने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगने के कारण क्या है कि यह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव नेचर का है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब अगर इसी की जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जाता जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता, तो क्या होता कि इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता और बाकी सबके ऊपर निगेटिव आ जाता। ठीक इस दशा में क्या होता कि ये ग्रुप जो होते हैं दो टाइप के हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है। अब अगर कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगा है जिसके कारण कार्बन परमाणुओं पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं, लगने वाले ग्रुप पर निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं माइनस आई ग्रुप या इस प्रभाव को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। ध्यान दीजिए इंडक्टिव प्रभाव को हम कैरेक्टर आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट किया जाता है इंडक्टिव प्रभाव को। तो इंडक्टिव प्रभाव में प्रेरणिक प्रभाव में क्या हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी उस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा इलेक्ट्रॉन ग्राही लगा है जिसके कारण इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, क्या प्रभाव होगा माइनस आई प्रभाव। अब आप ध्यान दीजिए इस प्रभाव के कारण कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप हैं, उनमें क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये हो गए, इसके साथ साथ एल्कोहल ग्रुप हो गया, OCH3 ऐसे ग्रुप हो गया, कई इधर ईथर का ग्रुप है, ऑक्सी ग्रुप है, ये सभी जो ग्रुप लगे हुए हैं NO2 ग्रुप है आपका, ये सभी ग्रुप क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही नेचर के होते हैं, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन जहां लगेंगे वहां से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ये जब नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो ये सारे ग्रुप किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे माइनस आई ग्रुप। ये जहां लगेंगे वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट निगेटिव होगा, यानी कि ये माइनस आई प्रभाव दिखाएंगे। अब ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा है, ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है आर, आर का मतलब क्या होता है एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप में कौन आता है मेथिल एथिल ये सभी आते हैं एल्किल ग्रुप में, तो एल्किल ग्रुप जो भी होते हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन दाता की तरह कार्य करते हैं, तो अगर कहीं कार्बन परमाणु के साथ किसी भी कंपाउंड के साथ एल्किल ग्रुप नजर आएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन दाता होंगे, तो उनके द्वारा उत्पन्न प्रभाव को हम पॉजिटिव आई बताएंगे। तो प्लस आई ग्रुप में कौन कौन आएगा, प्लस आई ग्रुप ये कौन होगा CH3 का होल ट्वाइस CH, CH3 का होल ट्वाइस C, और क्या होगा C2H5, और क्या होंगे NH2 ग्रुप होंगे और COOH ग्रुप होंगे, ये सभी क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन दाता होंगे
जब यही उल्टा कर देखो, जब इलेक्ट्रॉन ये देने लगेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। तो अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है तो उसको आप कहेंगे पॉजिटिव आई ग्रुप। तो आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट जाने। अब देखो इसी का लक्षण क्या है, यह अस्थाई प्रभाव है और इस प्रभाव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है और एक सिरे से अंतिम सिरे तक होता है, अंतिम सिरे तक इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होता है। अब देखिए इसके कुछ अनुप्रयोग हम बता रहे हैं आपको। जैसे देखो प्रेरित प्रभाव की क्या उपयोगिता है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं आपके सामने। जैसे आप उपयोग इसमें हेडिंग बनाएंगे प्रेरणिक प्रभाव तथा अम्लता या अम्लीय शक्ति। किसी कंपाउंड की एसिडिक नेचर पता करने में इंडक्टिव इफेक्ट का महत्व। ठीक, अब जैसे देखो हाइब्रिडाइजेशन आप लोग जानते होंगे, sp sp2 sp3 ये संकरण है। तो अगर हम किसी कंपाउंड में जैसे एसिटिलीन जो होती है आपकी C2H2, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो एथिलीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, CH4 जो होता है ऐसे इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अगर इन तीनों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन खींचने पर हाइड्रोजन मुक्त होंगे, जब हाइड्रोजन यहां से निकलेंगे तो इनकी अम्लता बढ़ेगी। तो अगर इनकी बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है sp वाला, उससे कम sp2 और अंतिम में सबसे कम sp3। ये अम्लीय शक्ति का बढ़ता क्रम। ठीक, सबसे कम sp3 वाला, उससे अधिक sp2, सबसे अधिक sp। तो ध्यान दीजिएगा इन तीनों टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, जैसा कि अल्काइन में है sp2 किस में है, एल्कीन में है, sp3 किस में है, एल्केन में है। तो इन तीनों की कंडीशन में sp हाइब्रिडाइजेशन रखने वाला कंपाउंड इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है, या किस बेस पे ज्ञात है, इंडक्टिव इफेक्ट पर आधारित है। अब देखें ऐसे ही इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव तथा क्षारीय शक्ति, इसको देख लीजिए एक टर्म भी है। हाँ, इसी में पहले एक दो एग्जांपल और देखें। जैसे मैंने कहा कि अगर हाइड्रोजन को निकालना है तो एसिडिटी बढ़ेगी, हाइड्रोजन निकले जैसे अम्लीय वाले में ही हम एक एग्जांपल और दे दे रहे हैं पहले, तब इसको देखिए। जैसे HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH, ये सब दिए गए हैं। आपसे कहा जाए इन तीनों में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो जो आसानी से H+ आयन दे देगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। हाइड्रोजन आयन किसके अनुसार है, आर्गेनियस के अनुसार। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, तो इन तीनों का स्ट्रक्चर ड्रा करो। HCOOH ये है, CH3COOH ये है, और CH3CH2COOH ये है। ठीक, तीनों के हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर दिए। अब देखो प्रेरणिक प्रभाव में मैंने क्या कहा था, अभी आपके सामने लिखा है पॉजिटिव आयन ग्रुप। पॉजिटिव आयन ग्रुप में कौन कौन आते हैं, एल्किल ग्रुप, मेथिल, डाइमेथिल, ट्राइमेथिल, एथिल। देखो इस कार्बन को, पहला कंपाउंड ये था आपका, दूसरा ये था, तीसरा ये था, इन तीनों में किसकी एसिडिटी ज्यादा है, सब में एसिडिक हाइड्रोजन निकालना है। देखो यहां से, यहां से, यहां से, या यहां से, कहीं से आप निकाल लीजिए। तो आपको एसिडिक हाइड्रोजन देना है, तो एसिडिक हाइड्रोजन देने में
जो जितनी आसानी से एच को रसायन दे देगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसमें देखो कौन ज्यादा एसिडिक दिख रहा है, एल्किल ग्रुप क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये हाइड्रोजन एच प्लस के रूप में कब निकलेगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। एच प्लस के रूप में कब निकलेगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और ये बॉन्ड क्यों टूटेगा, जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी तब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, एच प्लस के रूप में निकल जाएगा। इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। यहाँ देखो C2H5 ग्रुप लगा है, ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी हो जाएगी, ये आसानी से H+ आयन को नहीं छोड़ेगा। यहाँ चले आओ, यहाँ पर कोई ऐसा समूह नहीं दिख रहा है जो इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, इसलिए ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़कर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और यहाँ से H+ आयन आसानी से निकल जाएगी। इसकी तुलना में यहां देखो, यहां पर एक एल्किल ग्रुप लगा है, एक एल्किल ग्रुप लगा है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिल जा रही, पूरी हो जा रही है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा, तो यहां से ऑक्सीजन हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकलेगा, टाइम लगेगा, निकलेगा टाइम लगेगा, देरी से निकलेगा, कठिनता से निकलेगा। यहाँ वही दशा क्या है, दो कार्बन का एल्किल ग्रुप है, यहाँ एक कार्बन का एल्किल ग्रुप है, यहाँ और ज्यादा तेज इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस हाइड्रोजन का निकलना थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन तीनों के केस में देखो सबसे आसानी से हाइड्रोजन निकलेगा HCOOH से, उससे थोड़ा सा जटिल हो जाएगा CH3COOH में, और ज्यादा जटिल हो जाएगा CH3CH2COOH में। तो यहाँ देखो, यहाँ पर एसिडिटी का कौन सा आयन बन रहा है, ये घटता क्रम, तो ये इधर आते हैं तो बढ़ रहा है, क्या लिखेंगे, अम्लीय शक्ति का बढ़ता क्रम। ठीक, तो ये आपके पास ये इसकी इंपॉर्टेंस में हमने आपको दो टर्म दिए इंडक्टिव इफेक्ट में, क्या कि अम्लीय प्रभाव, अम्लीय शक्ति, प्रेरणिक प्रभाव और अम्लीय शक्ति। तो ये sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन में sp वाला ज्यादा एसिडिक, और देखें यहां पर एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें जिसमें एल्किल ग्रुप कम प्रेजेंट होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ाने पर हाइड्रोजन आयन का निकलना कठिन हो जाता है, जिसके कारण से इसकी एसिडिटी घट जाती है। तो जिसमें एल्किल ग्रुप नहीं है वह एसिड स्ट्रांग एसिड होगा, इससे थोड़ा सा ये कम एसिडिक है ये, और कम हाइड्रोजन आयन दे रहा है, मतलब ज्यादा टाइम में करेगा। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसकी क्षारीय शक्ति की बात करें, बेसिक अम्लीय प्रभाव तथा क्षारीय शक्ति। तो क्षार क्या होता है, हमने कहा था एक एग्जांपल देखो, साइंटिस्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉन पेयर युग्म दाता जो होते हैं उनको बेस करते हैं, से अमोनिया है, अमोनिया का क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल के एल्किल ग्रुप लगा दो, RNH2 बन गया, फिर एक हाइड्रोजन निकाल के एक R जोड़ दो, RRNH बन गया, फिर एक हाइड्रोजन को निकाल के एक R जोड़ दो, RRRN बन गया। ये देखो नाइट्रोजन पास दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो अमोनिया के यौगिक व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, एमीन। एमीन क्या बोले जाते हैं, अमोनिया का एल्किल डेरिवेटिव, एल्किल व्युत्पन्न। तो जैसे देखें आपके सामने है NH3, RNH2, RRNH और RRRN। तो यहां पर देखें क्या होता है, जिसमें एक एल्किल ग्रुप है ये प्राइमरी एमीन है, प्राथमिक एमीन, ये द्वितीयक सेकेंडरी एमीन है, ये तृतीयक यानी कि टर्शियरी एमीन है। अभी आप देख रहे हैं एल्किल ग्रुप एक पॉजिटिव आयन ग्रुप यहां पर खाली हो रहा है, देखो तीन एल्किल ग्रुप है, यहां दो है, यहां एक है। अब इन तीनों की बेसिक सिटी देखिए, जो
इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होगा उसको हम क्षार कहेंगे। अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ा हुआ है, आसानी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन युग्म यहां से डोनेट किए जाएंगे, जितना आसानी से डोनेट होगा उतना ज्यादा ये बेसिक होगा। तो देखो नाइट्रोजन है, तीन हाइड्रोजन के साथ लोन पेयर एक है, एक अल्किल ग्रुप है, दो हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर, दो एल्किल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर, और तीसरा कंपाउंड जो आपका है क्या है, तीन एल्किल ग्रुप है, एक नाइट्रोजन है और लोन पेयर, एक जोड़ी युग्म इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें क्या है, इनकी बेसिसिटी हमको पता करनी है। तो एल्किल ग्रुप यहाँ लगे हैं, देखिए एल्किल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। यहाँ देखो एक दाता है, यहाँ देखो दो दाता परमाणु लगे हैं, और यहाँ देखो तीन दाता परमाणु लगे हैं, ठीक। अब इनमें से जितने नंबर आप डोनर एटम बढ़ेंगे उतने ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन में बढ़ेगी, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना जल्दी से नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे और इनकी बेसिसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि इसी आर की जगह पे हम छोटा ग्रुप रख रहे हैं CH3, NH3 में कोई नहीं है, CH3 NH2 है, ये एक आर वाला हो गया, दूसरा है CH3 और H है, यहां देखो दो आर लगे हैं, ये भी आर है, ये भी आर, और यहां देखें CH3 यहां देखो तीन लगे हैं, ये भी आर हुआ, ये भी आर हुआ, ये भी आर हुआ। तो अब हमने क्या कहा आपसे कि इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा होंगे, जिस जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे ज्यादा होगी वह जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, और दे देगा तो उसकी बेसिसिटी यानी कि क्या होगा, क्षारीयता उसकी मैक्सिमम होती चली जाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है बच्चों, जो यमीन होती है, यमीन में जो तृतीयक यमीन है यानी कि जिसमें तीन एल्किल ग्रुप लगे हैं, ये स्टीयरिक हिंड्रेंस उत्पन्न कर देते हैं। स्टीयरिक हिंड्रेंस, ध्यान दो हम क्या बोल रहे हैं, स्टीयरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस यानी कि इसको बोलते हैं प्रतिबाधा प्रभाव। देखो प्रतिबाधा प्रभाव क्या होता है कि इस लोन पेयर जहां ये देखो नाइट्रोजन के पास एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये जो तीनों मेथिल समूह लगे हुए हैं ये इस तरह से नाइट्रोजन के लोन पेयर को आके घेर लेते हैं, कवर कर लेते हैं कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट नहीं हो पाता है, आसानी से डोनेट नहीं हो पाता है। तो नियम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि तृतीय जमीन में तीन एल्किल ग्रुप लगे होने के कारण इसकी बेसिसिटी क्षारीयता मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन स्टीयरिंग हिंड्रेंस प्रतिबाधा प्रभाव के कारण यहां पर इसकी बेसिसिटी घट जाती है। तो अब देखो नियम आपका क्या कहता है कि टर्शरी ज्यादा होना चाहिए, तो टर्शरी घट जाएगा। तो देखो सबसे ज्यादा इसमें बेसिक कौन होगा, सेकेंडरी, ये है प्राइमरी, ये है अमोनिया और ये है टर्शरी। तो जो सेकेंडरी अमीन है यानी कि RRNH, इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा, फिर इससे कम क्या होगी RRRN तृतीय की, तृतीय और सबसे कम किसका होगा RNH2 प्राइमरी की, और इससे भी कम कौन होगा NH3 अमोनिया, ठीक। अब ध्यान दो इसमें
स्टीयरिंग हिंड्रेंस के कारण इसकी बेसिसिटी टर्शरी की कम हो जाती है कंपैरिजन टू सेकेंडरी और प्राइमरी, ध्यान दो सॉरी प्राइमरी से अधिक लेकिन सेकेंडरी से कम। स्टीयरिंग हिंड्रेंस के कारण तृतीय केबिन में क्या होती है इसकी बेसिसिटी क्षारीयता द्वितीय केबिन से तो कम होती है परंतु प्राथमिक केबिन से अधिक हो जाती है। तो ये आपका जो ऑर्डर है ये है सेकेंडरी, ये है टर्शियरी, ये है प्राइमरी और ये है अमोनिया। तो अमोनिया से सेकेंडरी तरफ आएंगे, यहाँ आप क्या लिखेंगे क्षारीय शक्ति का बर्ताव क्रम। ठीक, तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट था जिसका अनुप्रयोग भी आपने देख लिया। तो हमने क्या डेफिनेशन में बताई थी, आप रिवाइज कर लेंगे कि दो भिन्न परमाणुओं के मध्य बने सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं। अणुओं में इस प्रकार के विस्थापन को प्रेरित प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। कि ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, उसके लक्षण क्या है और प्लस आई माइनस आई ग्रुप क्या होता है और इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन ये आपका अनुप्रयोग क्या होता है। इतना तो टॉपिक टर्म में था आपका इंडक्टिव इफेक्ट का। अब ऐसे ही आप सेकेंड वाला टर्म क्या बताया गया था, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। देखो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ये भी है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। इसमें होता ये है कि कोई द्विबंधित कार्बन परमाणु है, ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु की ओर मूव हो जाएंगे, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन, और फिर कंपाउंड बनाएंगे जुड़ करके, या अस्थायी प्रभाव होता है। इसमें क्या आप देखेंगे कि द्विबंधित या त्रिबंधित कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा उसमें कि पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर आ जाता है और यह इफेक्ट क्या होता है अस्थायी होता है। जैसे देखो आप एथाइलीन ले लिए, इस पर HBr की क्रिया कर दिए, तो यहां हम ड्रा कर रहे हैं CH3CH2Br एथिल ब्रोमाइड। इस रिएक्शन को समझो एक बार, इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देखो इसकी मैकेनिज्म क्रियाविधि इसकी देखो क्या होती है। हमने क्या डेफिनेशन दी, द्विबंधित कार्बन परमाणु में द्विबंध के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन को क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, HBr को तोड़ लेते हैं H प्लस और Br माइनस में, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है आप इसको ले आइए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को किसी एक तरफ मूव करा दीजिए। ये कैसे नजर आएगा आपको, जिस कार्बन पे गया वहां निगेटिव और जिस पर से गया वहां पर क्या होगा पॉजिटिव। यहाँ इलेक्ट्रॉन घट गए और बगल वाले के इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ का जो निगेटिव आयन है वो पॉजिटिव से जुड़ेगा और जो पॉजिटिव आयन है वो निगेटिव से जुड़ेगा। थर्ड स्टेप में क्या कर देते हैं, स्टेप थर्ड में सी एच टू निगेटिव है और ये सी एच टू पॉजिटिव है, ये क्या करता है, सबसे पहले HBr का H आयन आया पॉजिटिव आयन, ये CH2 के निगेटिव वाले से अटैच होकर गया, तो CH2 और H मिलके क्या हो गया CH3 और इस CH2 में पॉजिटिव चार्ज।
बन गया कार्बोनियम आयन। अब ये Br नेगेटिव आ जाएगा, Br नेगेटिव आके इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये क्या हुआ CH3CH2Br, देखो ये बन गया। तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है, द्विबंधित या त्रिबंधित कार्बन परमाणु में डबल बंध के इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन परमाणु की ओर विस्थापित होते हैं, इस तरीके के विस्थापन को इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। एग्जांपल स्वरूप आप इस टॉपिक में ये ऐड कर लीजिए कि ये दोनों क्रिया करके एथिल ब्रोमाइड नाम का कंपाउंड बना रहा हूं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और एथाइलीन, तो इसकी क्रिया विधि का पहला चरण ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, तो ये आपका इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब आप थर्ड इफेक्ट देखें, अतिसंयुग्मन क्या होता है, अतिसंयुग्मन को ही नाम देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अतिसंयुग्मन इसको हम क्या रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके बाद का हम आपको टर्म बताएंगे वो है अनुनाम। तो देखो पहले हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन एक टाइप का रिजोनेंस है, यानी कि अनुनाद है। इसमें सिग्मा बंध और पाई बंध का परस्पर क्या होता है, अस्थानीकरण होता है। ध्यान रहे हमने लिखा है अस्थानीकरण, सिग्मा और पाई बंधों के अस्थानीकरण क्रिया को अतिसंयुग्मन बोलते हैं। और चूंकि यह एक टाइप का अनुनाद है, रिजोनेंस है, बस इसमें दिखता क्या है आपको कि बांड गायब हो जाते हैं, इसलिए हम इसमें लिखेंगे कि इसको हम बंध रहित अनुनाद भी कहते हैं। चलिए इसकी डिफिनेशन देखिए, इसमें आप ये लिखेंगे जब कोई एल्किल समूह किसी द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की शक्ति का क्रम प्लस आई प्रभाव के विपरीत होता है। ध्यान दीजिए, जब किसी एल्किल ग्रुप किसी द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है तो प्लस आई प्रभाव के विपरीत कार्य होगा। और देखिए क्या इसमें होती है प्रक्रिया कि इसको हम सिग्मा पाई अस्थानीकरण देते हैं नाम, और इसको हम क्या कहते हैं, बंध रहित अनुनाद। चलिए एक बार इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हमने ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है प्रोपीन वन। चलिए इसमें हम अनुनाद दिखा रहे हैं आपको, अतिसंयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें होता क्या है, हमने कहा कि सिग्मा पाई स्थानीकरण होगा। चलो हम देखो CH3 को ऐसे ड्रा कर ले रहे हैं, ये है CH3, ये है आपका CH और ये है आपका डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब इसमें होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, ये डबल बॉन्ड चला गया कार्बन की ओर, तो ये हाइड्रोजन इन तीनों में से कोई एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट कर देगा, ये तो यहां पर रचना क्या दिख रही है आपको, ऐसे ये हाइड्रोजन पॉजिटिव ऊपर ऐसे रहेगा, नो बॉन्ड, बिना बंध के ऊपर है, और यहां देखो डबल बॉन्ड हो गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां देखो और ये डबल बॉन्ड चेंज हो गया किसमें, CH2 में CH, और एक सेकंड में हम देखें क्या है, ये है CH और ये सिंगल बॉन्ड हो गया क्या CH2 और इस पे माइनस चार्ज। देखो यहां पर एक सिग्मा एक पाई, यहां पर ओनली सिग्मा जीरो पाई, यहां पर क्या हो गया आपका पाई हो गया, और यहां पर पाई था वो चेंज हो गया किसमें, सिग्मा में। तो हमने क्या कहा था कि सिग्मा पाई अस्थानीकरण, देखो यहां पर सिग्मा था पाई हो गया, और यहां पर सिग्मा पाई दोनों था तो ओनली सिग्मा रह गया, पाई गायब हो गया।
अब यही प्रक्रिया हम दूसरी बार फिर करते हैं, देखो यही चेंजिंग हम फिर से करते हैं। इस बार हम इसको जोड़ लेंगे, इसको निकाल लेंगे। देखिए H प्लस सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू पे माइनस चार्ज। फिर और देखें इसका एक स्ट्रक्चर और क्या बन सकता है। हमने एक बार इसको फ्री किया, एक बार इसको फ्री किया, और कि हम इसको फ्री करेंगे, ये क्या होगा एच सी एच और ये वाला एच फ्री हो गया, फिर डबल बॉन्ड सी एच और फिर क्या होगा सिंगल बॉन्ड सी एच टू पे माइनस चार्ज। ठीक, तो इसका एक स्ट्रक्चर ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। तो आप इसमें अभी सेगमेंट में क्या लिखेंगे, यह एक अस्थायी प्रभाव है, और क्या बोलेंगे कि इसमें सिग्मा बंद और पाई बंद का परस्पर आदान प्रदान होता है, इसको हम सिग्मा पाई अस्थानीकरण या बंध रहित अनुनाद कहते हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया में आपने देखा कि इसमें बॉन्ड लेस यानी कि बिना बंध के प्रक्रिया हो रही है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे बॉन्ड लेस रिजोनेंस, बिना बंध का अनुनाद, बंध रहित अनुनाद। ठीक, ये आपके तीन टॉपिक हो गए, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चौथा देखें अनुनाद ही आपको बता रहे हैं, अनुनाद क्या होती है, रिजोनेंस की क्रिया क्या होती है। रिजोनेंस में ही हम क्या बताए थे, रिजोनेंस का मतलब क्या होता है, रिजोनेंस एक ऐसी घटना है जिसमें यौगिक के फार्मूले को चेंज नहीं किया जाता है, केवल इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन द्वारा उस एक यौगिक के एक से अधिक संरचना को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने लिया एग्जांपल बेंजीन का, ये आपका बेंजीन है, ये एक स्ट्रक्चर और होता है, ऐसे दिखता है वो, ऐसे ये ऐसे होता है, इन दोनों के मध्य का एक होता है उसको संकर बोलते हैं, यानी कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर। वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस तरीके से कुछ होता है, ठीक, वो स्ट्रक्चर फर्स्ट इसको सेकंड मानते हैं। रिजोनेंस में हमने क्या कहा आपसे कि वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन के विस्थापन द्वारा किसी यौगिक के एक से अनेक संरचना को हम प्राप्त कर सकते हो, उस क्रिया को अनुनाद कहेंगे। ध्यान ये रहे कि अनुनाद की प्रक्रिया में केवल यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है, बाकी उसके फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं होती है। इसका भी सूत्र वही है, इसका भी सूत्र वही है, और इसका भी सूत्र वही है C6H6। चलिए अब यहाँ देखो हम इस स्ट्रक्चर से इसमें कैसे पहुंचे, इस बांड को हम यहाँ शिफ्ट किए, इस बांड को यहाँ शिफ्ट किए, और इस बांड को यहाँ शिफ्ट किए, ये स्ट्रक्चर मिल गया। अब इसी स्ट्रक्चर को हम वापस लाना चाहें तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, और इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ये मिल जाएगा आपको। तो रिजोनेंस क्या होता है, एक ऐसी घटना जिसमें यौगिक में इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के फलस्वरूप हम एक से अनेक संरचना को प्राप्त कर लें, परंतु यौगिक का सूत्र फिक्स रहे, कांस्टेंट रहेगा, इस क्रिया को हम कहते हैं अनुनाद। अब देखो इन दोनों स्ट्रक्चर में से किसी एक संरचना सूत्र द्वारा हम इस बेंजीन मॉलिक्यूल के समस्त गुणों को व्याख्या नहीं कर पाएंगे, किसी एक संरचना सूत्र द्वारा हम बेंजीन के सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों सूत्रों से हम बेंजीन के समस्त गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। यही घटना है
अनुनाद। अनुनाद यौगिक करते क्यों हैं? अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। बेंजीन में तीन जगह सिंगल बॉन्ड, तीन जगह डबल बॉन्ड यानी कि कोवैलेंट, तीन कोवैलेंट बॉन्ड है। अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इस क्रम में इसमें बॉन्ड उपस्थित हैं। एकांतर क्रम में सिंगल और द्विबंध एकाबंध द्विबंध उपस्थित होते हैं। ये रिजोनेंस करके अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ध्यान दीजिए कि बेंजीन अणु की अनुनाद ऊर्जा 36 किलो जूल प्रति मोल होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा है, ये रिजोनेंस एनर्जी है। एक फार्म से दूसरे फार्म में बदलती है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो ध्यान दीजिए अनुनाद होने के कारण इसमें स्टेबिलिटी आती है, इस कारण से यौगिक अनुनाद करते हैं। अब अनुनाद के जो प्रतिबंध हैं, कुछ प्रतिबंध में क्या होते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखें। इस प्रकार के घटना जो होगी अनुनाद होती है, इसमें यौगिक में केवल इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। सेकेंड पॉइंट क्या होती है, दोनों स्ट्रक्चर की अनुनाद ऊर्जा, दोनों की जो एनर्जी होती है समान या लगभग समान होती है। तीसरा क्या होता है, इनकी एनर्जी अप्रॉक्सिमेटली सेम होगी, समान या लगभग समान होगी। यौगिक का केवल क्या चेंज हो रहा है, इसमें बंधों की व्यवस्था, ना कि यौगिक के फार्मूले में परिवर्तन। तो इस तरीके से इनमें अनुनाद के प्रतिबंध हुए। तो आपको जो चार टॉपिक हम लिए थे, प्रेरक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, अतिसंयुग्मन और अनुनाद, ये चारों आपका क्लियर हो गया। आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अब आपको नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो मिलेगी।